बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। देखिए, कुछ ज्यादा तेज दिमाग वाले लोगों ने मिलकर एक सार्थक वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक एनजीओ बनाया। उसके माध्यम से ये घर घर जाकर मिले लोगों से और कहा कि हम लोग आपको 790 रुपये में कढ़ाई बुनाई जो भी आप सीखना चाहती हैं मेहंदी वो सिखाएंगे, बदले में 3000 में जो सीखेगा उस बच्चे को हम लोग 2000 के चेक देंगे, 2000 रुपये देंगे, और जो अपने नीचे 30 महिलाएं जोड़ देगा, 30 बच्चे जोड़ेगा, उसको हम लोग 5000 रुपये नीति आयोग से हर माह दिलवाया करेंगे, उसकी पेंशन बन जाएगी। इस तरीके से उन लोगों ने एक जाल बुना। उस जाल में 790 रुपये लेते लेते 32000 महिलाओं से इन लोगों ने 2,72,00,000 रुपये ठगे और फिर उसके बाद वो लोग गायब हैं, जिसमें मुख्य आरोपी हैं अरुण कुमार अग्निहोत्री, अमित कुमार राजपूत, यशवंत शर्मा और उनकी माँ। आगरा में इन लोगों ने पूरा जाल बुना। वो लोग यशवंत शर्मा और उनकी माँ हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई और इनसे कहा कि आप भी ऐसा बन सकती हैं, आप भी ऐसा कर सकती हैं, इसलिए ये गरीब लोग बेचारे इनके झांसे में आ गए और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। इसके खिलाफ आज हम लोग कार्रवाई कराने के लिए आरोप आप लगा रहे हैं उस कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर क्या तथ्य हैं, क्या एविडेंस है? हमारे पास में तो इतने सारे तथ्य हैं, वो हमने दिखा भी दिए हैं और कम से कम सर हमारे पास में ज्यादा नहीं होंगे तो 500 से ज्यादा सबूत हैं। इन्होंने कही साहब ने कि आप 3-4 लोग मिलकर के और सब लोग अपनी अपनी FIR करा दीजिए, हम उसको 3 दिन में हमें समय दीजिए, हम गिरफ्तार करें। सर, एक सार्थक सोशल वेलफेयर सोसाइटी थी जो हम लोगों के मतलब आगरा में आई हुई थी 2018 में जनवरी में, 2018 जनवरी में आई थी। सर, कांटेक्ट ऐसे हुआ था मैम कि यशवंत शर्मा जो हमारे पड़ोसी थे वो हमारे घर पर आए और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मेहंदी सिलाई कढ़ाई या बुनाई आती है तो आप ना अपने घर बैठ के 20 स्टूडेंट कीजिए और पर स्टूडेंट से 790 रुपये के हिसाब से आप पेमेंट लीजिए और आपको 3 महीने की सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने मतलब मेहंदी सिखाई और फिर उन्होंने क्या मतलब 790 रुपये पर स्टूडेंट से लिए और हमने यशवंत शर्मा को जमा किए। हमने ये बोला कि क्या सिक्योरिटी है कि अगर हम आपको पैसे देते हैं तो कल को संस्था भाग गई तो फिर कैसे मतलब पेमेंट होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरी 9 दुकानें हैं और ये घर है, अगर पेमेंट नहीं होता है तो मैं अपने पास से आपको पेमेंट दूंगा जो भी आप जमा करते हो धनराशि, जो 15,800 रुपए थी। आज आपको यहाँ SSP साहब के यहाँ आने की क्या आखिर जरूरत पड़ी है? SSP सर के सामने हम इसलिए आए थे कि हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले SP City हरिपर्वत थाने पे FIR करवाई थी, तो हम लोगों की FIR तो ले ली थी लेकिन एक्शन जो लिया जा रहा था वो हमारे कोऑर्डिनेटर यशवंत शर्मा वाली एप्लीकेशन पर लिया जा रहा था और हम लोगों को थोड़ा सा उन पे शक है कि यशवंत शर्मा मिले हुए हैं। हम लोग कोऑर्डिनेटर नहीं थे, हम लोग एज अ टीचर थे और हमारे अंडर में जो हमारे अंडर में 20 स्टूडेंट थे और हमने 30 टीचरें बनाई थी। उन्होंने ये कहा था कि नीति आयोग से जुड़ी संस्था है, आपको 5000 रुपए फिक्स। सर, हमें सर्टिफिकेट मिलते थे, हमारे पास सारे एविडेंस हैं जिसमें सर्टिफिकेट भी नीति आयोग से। जी सर, 3 महीने की मैम 3 महीने की सैलरियां मिली थी हमें और वो हमारे पास सैलरी के चेक है। दो महीने 20 सितंबर को लास्ट वो लोग आए थे, हम लोग मीडिया लेके गए थे, NDTV जो न्यूज चैनल वाले थे तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मीडिया पर अभी नहीं निकालेंगे, हम इन टीचरों का 15 अक्टूबर तक पेमेंट कर देंगे, वो एविडेंस हमारे पास है। उन्होंने हमारे पैच हुए और बोला कि आपके पैसा हम आपको 15 अक्टूबर तक जमा कर देंगे और सर उनका लास्ट 20 अक्टूबर को उनका फोन ऑफ हो गया और 21 सितंबर को तो भाग ही गए थे लेकिन फोन से कॉन्टेक्ट यशवंत शर्मा का रहता था। नहीं सर, वो उनका खुद का घर है, ये तो वो तो यशवंत शर्मा का है जिसने हमें सिक्योरिटी दी थी और उसने हमें सिक्योरिटी चेक भी दिए थे कि अगर संस्था भागती है तो आप मेरे अकाउंट का सिक्योरिटी चेक ले लीजिए, तो वो सिक्योरिटी चेक अभी भी हमारे पास अवेलेबल है।